दोस्तों, आपने साल 1998 में आई मूवी घर घर की कहानी तो जरूर देखी होगी, जिसमें नजर आने वाले कई सारे कलाकार अपनी एक्टिंग और अंदाज से लाखों दर्शकों को दीवाना बना चुके हैं। उन्हीं में से एक थी जया प्रदा, जो अपने सीता के किरदार से सभी दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाकर ढेर सारी पॉपुलैरिटी हासिल करके लाखों दर्शकों की चहेती बन गई थी। लेकिन दोस्तों, आप अभिनेत्री जया प्रदा के बारे में तो काफी कुछ जानते ही होंगे, पर क्या आप इनकी रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानते हैं कि इनकी फैमिली में कुल कितने सदस्य हैं, वो सभी लोग क्या करते हैं और कैसे दिखते हैं? शायद नहीं जानते होंगे। अगर आप भी इन्हीं सब सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। साथ ही अपनी फेवरेट जया प्रदा के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। घर घर की कहानी मूवी में सीता का किरदार निभाने वाली अदाकारा जया प्रदा एक हिंदू परिवार से ताल्लुक रखती हैं। इनके परिवार में इन्हें मिलाकर कुल 7 सदस्य हैं, जिनमें ये इनके माता पिता और भाई के साथ हस्बैंड और बेटा बहू शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके फादर के बारे में। तो आपको बता दें, इनके पिता कृष्णा राव लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं, जिस वजह से उनकी एक भी पिक इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। पर कहा जाता है कि इनके पिता तेलुगु फिल्म के फाइनेंसर थे और इस फील्ड में काम करके काफी ज्यादा अमीर हो गए थे। पिता के बाद बात करें इनकी माता के बारे में, तो इनकी माता का नाम नीला वेणी है, जो एक हाउसवाइफ थी। आपको बता दें, इन्होंने अपने घर और परिवार को काफी अच्छे से संभाला था। साथ ही जयप्रदा को बहुत प्यार करती थी, वही जयप्रदा भी अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी और उनका ध्यान रखती थी। पर अब उनकी मम्मी अपनी 81 साल की उम्र में इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी हैं। माता पिता के बाद बात करते हैं इनके भाई के बारे में। तो आपको बता दें, इनके भाई का नाम राजा बाबू है, जो लाइमलाइट से कोसों दूर रहते हैं और आज वो लाइमलाइट से दूर रहकर अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में काफी ज्यादा कामयाब हो चुके हैं। फैमिली के बाद बात करते हैं इनके पति के बारे में। तो आपको बता दें, इन्होंने 1986 में फिल्म प्रोड्यूसर श्रीकांत नहाटा से शादी कर ली थी और तब से लेकर अब तक अपने पति के साथ ये खुशहाल जिंदगी जी रही हैं। हालांकि शादी से इन्हें एक भी बच्चे का आशीर्वाद नहीं मिला। तब इन्होंने एक लड़के को गोद लिया, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा, पर ये प्यार से सिद्धू बुलाती हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई से लेकर उसकी हर जरूरत को पूरा करती हैं। और आज इनका बेटा साउथ इंडस्ट्री का एक मशहूर एक्टर है और अपने करियर में कामयाब हो जाने के बाद इनके बेटे ने कुछ साल पहले प्रवलिका रेड्डी से शादी कर अपना घर बसा लिया है, जिनके साथ ये खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। और अब जब ये शादी रचा चुके हैं तो इनकी फैमिली में इनके इन-लॉज फैमिली भी शामिल होती है, जिनमें इनके ससुर सुंदरलाल और सासू माँ धनलक्ष्मी शामिल। बता दें कि लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करने वाले इनके ससुर जी फिल्म प्रोड्यूसर रहे हैं, जो फिलहाल आज इस दुनिया में नहीं है। वह इनके सासू माँ भी लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। तो दोस्तों, आपका जया प्रदा के रियल लाइफ फैमिली के बारे में जानकर क्या कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी और तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।